हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 51 लाइनर जीके क्वेश्चंस, जो हमने पार्ट वन किया था कल। आज हमारा रहेगा पार्ट सेकंड, तो पार्ट सेकंड करेंगे आज हम। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो कल का जो पार्ट वन था फ्रेंड्स, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। और उस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे आपके क्वेश्चंस, जो कि जेके एसएसबी एग्ज़ाम और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्वेश्चन नंबर जो हमने कल क्वेश्चन किए थे, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे हमने कल अपने वीडियो में क्वेश्चन कवर किए थे। चाहे वो आपका सिविलियन अवार्ड हो, चाहे वो आपकी कंप्यूटर के पोर्शन हो, उसके बाद हमने स्पोर्ट्स के क्वेश्चन लिए थे, स्पोर्ट्स के बाद उसके बाद हमने साइंस के क्वेश्चन जहाँ पे आपको लिए थे, जनरल साइंस के, हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन लिए हमने। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, तो इसमें कल के वीडियो में हमने टोटल क्वेश्चन जो किए थे वो किए थे 39। तो 39 क्वेश्चन आपको मैं अगेन बता दूँ। 39 क्वेश्चन कहता है कि ह्यूमन राइट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो कब किया जाता है। ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं हम हर 10th दिसंबर एवरी ईयर, ठीक है, 10th दिसंबर एवरी ईयर। आपको हो सकता है ह्यूमन राइट डे के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा जाए, जैसे कि इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, मगर आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि 2021 का थीम क्या था। जैसे आपका मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2021 का थीम क्या था। तो 2021 का थीम था रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। सो दिस ईयर ह्यूमन राइट्स डे थीम रिलेट्स टू इक्वलिटी एंड आर्टिकल फर्स्ट ऑफ द UDHR, ऑल ह्यूमन बींग्स जो है और बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन और एट द हर्ट ऑफ द ह्यूमन राइट। तो देख सकते हैं ये है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको थीम के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि फादर कौन है जियोमेट्री के फादर है इक्विलिड। क्वेश्चन नंबर 41 अब इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन, जितने भी JKPSI की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे पॉलिटी का ज़्यादा पोर्शन देखने को मिलेगा। तो क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, नेट के एग्जाम में ना बहुत बार पूछा जाता है कि नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ट्रू और फॉल्स। देखिए, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना राज्यसभा के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर बिल्कुल सही है। अब मैं थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, देखिए जहां पे मैं आपको थोड़ी सी और क्लियरली चीजें बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको जानना है कि राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं। राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे मैंने आपको बताया, 12 मेंबर होते हैं। फिर मैंने आपको बताया लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं टू मेंबर। फ्रेंड्स ये 12 और 2 का जो आंकड़ा है ना फ्रेंड्स, ये 12 मेंबर राज्यसभा के और 2 मेंबर और लोकसभा के, ये होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर। और इनको दोनों को अपॉइंट कौन करता है, इन दोनों को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, ये तो आपको पता चल गया कि नॉमिनेटेड मेंबर जो है प्रेजिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट के हमारे 2 हाउसेस आ गए, लोकसभा राज्यसभा। जितने भी विनिंग कैंडिडेट होंगे, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। एक सेकेंडली आपको चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, उसके बाद अगर हम बात करें जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, जितनी भी हमारी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि MLA जो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं, वो भी प्रेजिडेंट के इलेक्शन में वोट कास्ट करते हैं। ठीक है, एक तो आगे पार्लियामेंट के मेंबर्स, यानी कि आपके दोनों हाउसेस के मेंबर आ गए, लोकसभा राज्यसभा का। फिर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट्स की बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी में पहले क्या होता था, पहले होता था सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के जो मेंबर होते थे लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी MLA जो होते थे, वो पार्टिसिपेट करते थे दिल्ली और पुडुचेरी के। मगर आज की डेट में आप देख सकते हैं J&K बनी है यूनियन टेरिटरी। J&K यूनियन टेरिटरी में आपने देखा होगा जहाँ भी आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी, यानी कि आप नेक्स्ट जब भी इलेक्शन होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी जम्मू कश्मीर की, ये भी ब्रॉडकास्ट करेगी। तो दो हाउसेस,
लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, जितनी स्टेट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करते हैं, फिर यूटी आ गई, यूटी में हमारी आ गई दिल्ली पुडुचेरी और आपकी जम्मू कश्मीर, हमारी जम्मू कश्मीर आ गई, उसके बाद लद्दाख नहीं करती है। लद्दाख के बारे में आप जानते हैं, लद्दाख ना में ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली है और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो जहाँ से क्लियर हो गया जे। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको और बता दूँ, क्या प्रेजिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? तो राइट आंसर रहेगा इनडायरेक्ट। प्रेजिडेंट का इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। तो जी आपको चीजें याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में, फाउंडर कौन है होम रूल मूवमेंट का? होम रूल मूवमेंट के फाउंडर हैं बाल गंगाधर तिलक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, 1916 में होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये न्यूज़पेपर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो न्यूज़पेपर हैं, एक है केसरी एक है मराठा, ठीक है। ये दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए थे, ये किए गए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और मैं आपको बता दूं, केसरी जो थी ये आपको लैंग्वेज के ऊपर पूछा जाता है, केसरी जो थी वो किस लैंग्वेज में थी? मराठी लैंग्वेज में। और मराठा जो थी ये कौन सी लैंग्वेज में थी? ये इंग्लिश में। ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है, दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एक थी केसरी, केसरी को जो थी मराठी लैंग्वेज में थी, और मराठा जो थी वो शायद इसमें मराठा या मराठा आप देख लेना इसको, जो ये लैंग्वेज ये दूसरा न्यूज़पेपर था, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे लोकेटेड है? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रेंड्स है राजस्थान में, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं राजस्थान के सीएम। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे, थार डेजर्ट की बात टर्न आती तो थार डेजर्ट आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, तो फिर आपका यार आंसर राजस्थान, ठीक है, लार्जेस्ट इनलैंड। मगर ये लेक कौन सी है? सांबर लेक, सांबर लेक है लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक, ये कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? राजस्थान में। तो राजस्थान आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे, अगर एरिया वाइज क्वेश्चन आता तो आप सबसे बड़ी एरिया वाइज स्टेट कौन सी है, तो राजस्थान आपका आंसर रहेगा। सो राजस्थान रहेगा आपका आंसर। यूपी जो है हमारी पॉपुलेशन वाइज यूपी सबसे बड़ी है, ठीक है फ्रेंड्स, यूपी सबसे बड़ी है पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा। अशोक गहलोत इनके सीएम है और मैंने आपको बता दिया जहाँ पे आपका जो है जो लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक रहेगी, ये सबसे बड़ी लेक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने डिस्कस की, थार डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? असम में। असम में एक फेस्टिवल होता है बिहू फेस्टिवल, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो बिहू फेस्टिवल के आपके बारे में आपको पता होना चाहिए असम के अंदर है। अब यहाँ पे एक तो आपको पता चल गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है असम में, मगर एक चीज और इम्पोर्टेंट जी, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है जी किसके लिए फेमस है? ये है वन हॉर्न रेनोसर्स के लिए, ठीक है, वन हॉर्न रेनोसर्स के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट 45 कहता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है जिसको हम यूज करते हैं एसी वोल्टेज टू इंटू डीसी वोल्टेज, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। गो बैक टू वेदास, ये बोला था किसने? दयानंद सरस्वती ने। ये क्वेश्चन, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं, गो बैक टू वेदास, तो आएगा आपका दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इंडिया की, इसको फॉर्मुलेट कौन करता है? इसको फॉर्मुलेट किया था आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1949 में नेशनलाइज किया गया, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपने याद रखना है। और करंट सीईओ कौन है? अभी करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। विंग्स ऑफ फायर इज रिटन बाय, विंग्स ऑफ फायर एक बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, मिसल मैन ऑफ इंडिया हमारे प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम। और 49 क्वेश्चन कहता है, हाइग्रोमीटर जो है हम किस लिए यूज करते हैं, किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं? जी हम करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए। और क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, दी ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ये कौन सा है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आप पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई और हम वीडियो लेके आए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।